वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं हर बार की तरह टेक्नोलॉजी अब यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी छूट प्राप्त कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका अपना खुद का ट्रस्ट है, यानी कि आपका जो पीएफ का जो पैसा है ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं होता, कंपनी खुद ही मैनेज करती है, उनका अपना ट्रस्ट है। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी कंपनी में काम करें जो कंपनी एग्जाम्प्टेड है, यानी कि छूट प्राप्त संस्था है ईपीएफओ से, और उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनका खुद का पीएफ का पैसा वो कंपनी खुद ही मैनेज करती है, ईपीएफओ मैनेज नहीं करता। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप पता करना चाहते हो कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से कौन कौन सी जो है एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि कौन कौन सी कंपनियां जो है छूट प्राप्त है, टोटल कितनी कंपनियां हैं जो कि ईपीएफओ से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है, यानी कि एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के नाम जानना चाहते हो तो कैसे आप पता कर सकते हो मात्र 2 मिनट में, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.epfindia.gov.in इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर एक अलर्ट देखने को मिलता है, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक आपको टैब मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट का, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे, इस पर कर्सर को माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि छूट प्राप्त संस्थानों की जो है प्रतिष्ठानों की लिस्ट। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है पीडीएफ आ जाएगी, और यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ पीएफ एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स, और यहाँ पर उनकी जो आईडी रहती है एस्टेब्लिशमेंट की जो आईडी रहती है वो आईडी यहाँ पर दिखा देगा, और उस कंपनी का नाम एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पर दिखा देगा। तो देख सकते हो टोटल यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से शुरू होकर और नीचे की तरफ आते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल कितनी है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल देख सकते हो 1552 है यहाँ पर। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि कौन सी कंपनी ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से जो है छूट प्राप्त संस्था है। और अगर आपके पास उनकी एस्टेब्लिशमेंट आईडी है तो उससे भी जान सकते हो, तो यहाँ पर आप जो है ये है उनकी एस्टेब्लिशमेंट आईडी, तो यहाँ पर सर्च करोगे तो अगर वो छूट प्राप्त संस्था होगी तो उसका नाम यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट आईडी यहाँ पर दिखाई दे देगी आपको, और उसका जो है नाम यहाँ पर प्रतिष्ठान यानी कि जो कंपनी है उनका नाम यहाँ पर दिखा देगा। टोटल यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 1552 जो है यहाँ पर ईपीएफओ ने लिस्ट दे रखी है। बाकी इसका डायरेक्ट लिंक, ये वाला जो लिंक है ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर जैसे आप प्रेस करेंगे डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है क्या फीडबैक है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।